Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे किस टॉपिक में बात करने वाले। तो आज इस वीडियो में बताएंगे ऐसे प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, वहीं पे बताएंगे कैसे आपको क्या करना। तो गाइस सबसे पहले आपको पिक्सलब ओपन करना है। पिक्सलब ओपन करने के बाद इसे डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इमेज साइज सेलेक्ट कर लेना है, जो यूट्यूब का इमेज साइज होता है, जैसे कि यूट्यूब थंबनेल, यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल लिखा है, इसे सेलेक्ट करके आपको डन कर देना है, ठीक है, ओके। उसके बाद ये इमेज साइज आपका ऐसे कुछ हो जाएगा। उसके बाद सेटिंग पे आने के बाद इसके बगल आ जाना है आपको, सेटिंग के बगल, लेकिन यहाँ पे नहीं आना है आपको, प्लस वाले ऑप्शन पे डिलीट करना है, ठीक है। प्लस वाले ऑप्शन पे आने के बाद फ्रॉम गैलरी पे आ जाना, यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर का इमेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया है, अब इसे सही से यहाँ पे ऐड कर देंगे अपने हिसाब से कुछ ऐसे, जिससे कि सही से ऐड करना है जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसे लॉक कर देंगे जिससे कि ये इधर उधर हिलेगा नहीं, ठीक है, जिससे कि प्रॉब्लम नहीं होगी एडिटिंग करने में। उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर से आपको प्लस वाले ऑप्शन पर जाना है, उसके बाद आपको फ्रॉम गैलरी पे जाना है। तो ठीक है, चलिए फ्रॉम गैलरी पे चलते हैं। यहाँ पे हमें एक शैडो ऐड करना है, जो आप उसे क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड कर सकते हो, मैं बता दूंगा आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ से ऐड कर लेते हैं अपना इफेक्ट, यहाँ से ब्लैक कलर का, जैसे कि मेरे पास कहाँ पर है, मेरे पास ये रहा, इसे मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ अपने हिसाब से कुछ ऐसे, ठीक है। ऐड करने के बाद ये अभी ब्लैक कलर का है, तो इसका कलर हम चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, इसे हम डन कर देंगे, उसके बाद वाइट हो जाएगा। आप ग्रीन कर सकते हो जो कलर आपको पसंद हो, तो मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक है। इसके बाद ओके कर दिया, ठीक है। ओके करने के बाद इसे हम जूम करके कुछ ऐसे ऐड करेंगे यहाँ पर, सही से आप यहाँ पर अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, कुछ ऐसे मैं बड़ा कर दे रहा हूँ जैसे कि ऐड करने में प्रॉब्लम ना हो, कुछ ऐसे और भी बड़ा करना है मुझे, यहाँ से मैं ऐसे सही से इसे ऐड कर दूंगा। उसके बाद क्या करूँगा कि यहाँ पे आऊँगा, उसके बाद इसका थोड़ा कम कर दूंगा कहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ओपोसिटी पे आना है, ठीक है। ओपोसिटी पे आने के बाद इसको डाउन कर देना है, जैसे कि 50% या 46% कर देना, अपने हिसाब से अटैच कर लेना, 48% या ऐसे कर देना है, ठीक है। ऐसे मैंने कर दिया, उसके बाद इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसे सही से लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद अब इसको इस साइड में लेके आना है, तो इसको पहले हम सही से कर लेते हैं। यहाँ पे आना है आपको, यहाँ से जैसे इस पे आ जाना है, इसको क्रॉप कर देना है, कुछ ऐसे साइड में कर देना है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद ऐसे यहाँ पे सही से ऐड करना है। यहाँ से ऐड करने के बाद अब इसे हम रेड कलर का कर देंगे, ठीक है। रेड कलर, यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पर आएंगे, अब यहाँ पर रेड कर देंगे, कुछ ऐसे देखने में आपको लगेगा। आपको जो कलर पसंद है उससे आप यहां से ऐड कर सकते हो। तो मैंने इसको लॉक कर दिया, उसके बाद फिर से फ्रॉम गैलरी पे आएंगे, उसके बाद अपने एक फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं यहां पे फ्रॉम गैलरी पे आने के बाद, जैसे कि मुझे कोई फ़ोटो ऐड करना है, जैसे कि तो चलिए मैं अपनी फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मुझे अगर मेरी फ़ोटो नहीं है तो चलिए एलन मास्क की फ़ोटो ऐड कर लेते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम हो रही, तो एलन मास्क की फ़ोटो यहाँ पर ऐड करेंगे। तो चलिए एलन मास्क की ही फ़ोटो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये है, ये वाला ऐड कर लेते हैं एलन मास्क की फ़ोटो, कुछ देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, अच्छे लग रहा है। तो यहाँ से सही से मैं इसे ऐड कर लूँगा कुछ अपने हिसाब से ऐसे, ठीक है। हल्का इसको बड़ा कर देंगे जिससे कि देखने में अच्छा लगे, उसके बाद इसे सही से यहाँ पर ऐड कर देंगे अपने हिसाब से। उसके बाद ये फ़ोटो मुझे ब्लैक कलर का करना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम फिल्टर वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, कलर फिल्टर्स, इस पर हमें सेकेंड वाला बिल्कुल डाउन कर देंगे, जिससे कि ये ब्लैक हो जाएगा, देखने में आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप अपने हिसाब से जो कलर चाहे वो कलर कर सकती हो। उसके बाद लॉक करने के बाद एरो के बगल इस पर आ जाएंगे, ठीक है, 20 रुपये है। इस पर आने के बाद कुछ ऐसे ऐड कर देना है, यहाँ पर ऐड करने के बाद इस पर आ जाना है, कुछ ऐसे यहाँ पर उठा के ऐसे कर देना है, उसके बाद इसे यहाँ पर एक्सेंट के नीचे आपको इसे हटा देना है, उसके बाद इस पर आपको डिलीट करना है, उसके बाद सही से आपको अपने हिसाब से बना के स्टार्ट करना है, कैसे बनाना है आपको, इसे कुछ लाइन की तरह आपको बनाना हुआ स्टार्ट करना है, जैसे कि ग्रोथ होता है, ऐसे कुछ स्टार्ट कर देना, अपने हिसाब से अटैक करना है, ऐसे कुछ ऐसे बनाना है जैसे कि मैं बना रहा हूँ, ऐसे अपने हिसाब से ऐसे बना लेना है, ठीक है, जैसे कि मैं बना रहा हूँ।
ऐसे आपको बनाना है लाइन, उसके बाद यहाँ पे सही से मिला देना, उसके बाद नीचे आ जाना है, नीचे करके उसके बाद फिर से इस बगल साइड में ऐड कर देना, उसके बाद इसे हल्का ऊंचा कर देना जितने की मिला देना है इसी में, ठीक है। उसके बाद जैसे आप कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो कलर, आपको जो कलर पसंद है। जैसे कि मैंने पीछे बैकग्राउंड ऐसे रखा है तो मैं यहाँ से कलर चेंज करूँगा, दोनों कलर रखूँगा। तो यहाँ मैंने इसको ग्रीन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद ये जो वाइट कलर का है इसे हम रेड कलर का कर लेते हैं, तो ठीक है। ऐसे नहीं, ये वाला नहीं, इसको मैं उल्टा कर दिया है मैंने, तो ऐसे इसको रेड कर दिया है ग्रीन वाले को, उसके बाद इसको ग्रीन कर दूंगा, ठीक है। अपने हिसाब से ऐसे कुछ सही से इसे ऐड कर लूँगा कुछ ऐसे। उसके बाद इसे हम जूम करेंगे, उसके बाद देख सकते हो रेड ज़्यादा आ रहा है, तो इसे क्या करेंगे कि ग्रीन को नीचे लाएंगे, ऐसे कुछ डाउन करके सही से ऐड करना है। अपने हिसाब से ऐड करके देख सकती हूँ कि इसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसे कर सकती हूँ, ऐसे कुछ मैंने इसे कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए दिखाते हैं आपको कैसे लग रहा है। अभी भी रेड ज़्यादा है तो इसे डाउन कर देंगे, रेड वाले को ग्रीन का हल्का बढ़ा देंगे ऐसे करके। अब यहाँ पे देख सकती हूँ ओके करना है तो इसे फिर हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है। फिर से आपको क्या करना है कि ऐसे करना है, फिर से ये हो जाएगा। उसके बाद अब ज़्यादा डाउन कर देना है, ये वाला नीचे ऐसे कर देना, उसके बाद ये बराबर पर बैठ जाएगा। आप देख सकते हो कैसे लग रहा है, ये आपको देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आपको बना लेना है। उसके बाद इसे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आ जाना है, आपको इस वाले ऑप्शन पे, सेकंड वाले ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है। अब इसको जो जीरो, इसको बढ़ा देना है कुछ ऐसे। उसके बाद जो कलर ये सेलेक्ट किए हुए ही कलर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि ये मैंने ये उल्टा था इसीलिए मेरा नहीं सही है, अब चलो ठीक भी हो जाएगा। इसको ऐसे घुमाना था मुझे, ऐसे मैंने घुमा दिया। अब उसको हल्का बढ़ा देते हैं रेड वाले को, जैसे कि ग्रीन ऐसे करते हैं, उसके बाद रेड को बढ़ा देते हैं अपने हिसाब से कुछ ऐसे, जिससे कि अब देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप अपने हिसाब से अट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे कि जैसे भी करना है आप कर सकते हो। इसको भी मैंने वैसे ही कर दिया जैसे था, हम मिलकर वैसे ऐसे कर दिया, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख सकते हो। उसके बाद मैं देख सकती हूँ इसको हल्का करूँगा, जो ग्रीन रेड है इसको बढ़ा के ही रखूँगा, जो मैंने इसको भी नहीं, नीचे और आना है, नीचे आना है आपको। उसके बाद इसको डाउन करना है हमें कुछ ऐसे, ये भी डाउन नहीं करना है, जैसे कि यहाँ से डाउन करना है। अब इसे हम डाउन करेंगे कुछ ऐसे, देखने में अभी अच्छा नहीं लग रहा है आपको। अभी जब इसमें ब्लैक कलर का इफेक्ट ऐड करेंगे तब देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो इससे सबसे पहले हम पीछे कर देते हैं इसके पीछे, ठीक है। एलन मास्क मैंने पीछे कर दिया, अभी कुछ ऐसे देखने में अच्छा लग रहा है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे, यहाँ पर एक ब्लैक कलर का इफेक्ट ऐड करेंगे जो आपको मिल जाएगा ऐसे क्रोम ब्राउजर पर ही। चलिए यहाँ पे ब्राउजर पे जाते हैं, जैसे कि यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं अपना गैलरी से, यहाँ पे जो फ़ोटो मुझे ऐड करनी है, तो चलिए फ़ोटो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से। ये वाली फ़ोटो हमें ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है तो इसे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आप इसे क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड कर सकते हो, इसे मैंने कुछ ऐड कर दिया है, तो चलिए ऐड कर लेते हैं सही से। ऐसे कुछ ऐड करने के बाद अब इसे हम पीछे कर देंगे कुछ ऐसे अपने हिसाब से यहाँ पे, अब देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन ये और भी ब्लैक कलर का इसे पीछे कर देंगे, जैसे कि ये सबसे नीचे हमें ऐड करना है, देखने में अच्छा नहीं लगेगा लेकिन इसको सबसे नीचे करना है, ठीक है। तो ऐसे अपने हिसाब से ऐड कर सकती हूँ। तो चलिए अभी देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इसको हम फुल ही रखते हैं, इसको नीचे लेके जाते हैं, उसके बाद उससे हल्का करते हैं, इसको और नीचे लेके जाना है सबसे नीचे, ठीक है। अब इसको लॉक कर देना है ये वाला, इसको उठा लेना है, ठीक है। उसके बाद इसका डाउन करना है कुछ ऐसे, सही से इसको ऐड कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। जैसे कि इसे हम अब सही से इसे डाउन करेंगे कुछ ऐसे, ये अब देखने में हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे कि पीछे बैकग्राउंड भी ऐसे है। तो इससे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमें जैसे कुछ ऐड करना है, जैसे कि तो चलिए ऐड कर लेते हैं। अब इसको हल्का हम छोटा कर देते हैं, जैसे कि अपने हिसाब से इसमें स्टोक लगा देते हैं, जिससे कि स्टिकर स्टिकर्स, तो चलिए स्टिकर लगा देते हैं। हम यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे आएंगे, प्लस वाले ऑप्शन पे आने के बाद फ्रॉम गैलरी पे आएंगे, जो स्टिकर आपने डाउनलोड किया है, जैसे कि इमोजी डाउनलोड किया है, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जो भी ऐड करना है, जैसे कि चैनल का नाम ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि गैलरी पे आएंगे तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ इमोजी, ठीक है। यहाँ से मैंने इमोजी यहाँ पे सेलेक्ट किया इस पर, उसके बाद इससे कुछ इमोजी सेलेक्ट करके ये ऐड कर दे रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे इमोजी हैं मेरे पास जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऐसे इमोजी ये वाला ऐड कर लिया है कुछ ऐसे ही।
इसे हम ग्रीन वाले पे ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐसे कुछ मिनी ऐड कर दिया है अपने हिसाब से। उसके बाद इसे हल्का डाउन कर देंगे, उसके बाद इसे भी लॉक कर देंगे अपने हिसाब से, ठीक है। लॉक करने के बाद अब फिर से आपको फ्रॉम गैलरी पे आना है, यहाँ पे एक और लोगो सेलेक्ट करना है, ठीक है। इमोजी जैसे कि आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकती हो, आप किस टॉपिक पे वीडियोस बनाती हो वैसे थंबनेल आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो ठीक है मैं ऐसे कुछ बता रहा हूँ। उसके बाद फ्रॉम गैलरी पे आने के बाद फिर से एक इमोजी सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि साइड वाला इमोजी सेलेक्ट करेंगे जो रेड पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इमोजी है, यहाँ से आने के बाद यहाँ पे इमोजी अपना उठा लेते हैं, जैसे कि कौन सा साइड वाला है, जैसे कि ये जादू मंत्र वाला, यहाँ पे ये भी नहीं चाहिए, ये वाला हमें चाहिए, जैसे कि मैंने ये वाला ऐड कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे अपने हिसाब से देख सकते हो, जैसे कि मुझे ये वाला चाहिए, ये नीचे और आना है, नीचे आने के बाद ये वाला मुझे चाहिए, देखिए सेकेंड वाला, ठीक है, थर्ड वाला चाहिए, थर्ड वाला मैंने ऐसे ऐड कर लिया। ऐसे ऐड करने के बाद अब इसे यहाँ पे सही से ऐड कर देना है, ठीक है, ये इसे मैंने ऐड कर दिया है। तो इसे आप बना सकते हो अपने हिसाब से, जैसे भी बनाना चाहते हो थंबनेल बहुत अच्छे से इसे बना सकते हो, ठीक है। अब जो भी आपको लिखना है वैसे लिख सकते हो, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, अभी लिखना नहीं है इस पर। अभी आपको फ्रॉम गैलरी पर आ जाना है, एक आपको फिर से ब्लैक कलर का इफेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ऐसे कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, यही वाला, ठीक है। उसके बाद इसे डन करने के बाद इसे सही से बड़ा कर देते हैं अपने हिसाब से, यहाँ से ऐड करेंगे इसके नीचे। उसके बाद इसे लॉक कर देते हैं, पहले हम टेस्ला को, एलन मस्क को छोटा कर देते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो, ऐसे कि छोटा करके ऐसे कुछ ऐड कर दिया। उसके बाद अब इसे लॉक करेंगे, यहाँ से इनको लॉक कर देंगे। उसके बाद इसे ब्लैक कलर का हम सही से यहाँ पे ऐड करेंगे अपने हिसाब से, तो ठीक है। तो चलिए इसे ऐड कर देते हैं, इसे लॉक खोलने के बाद ऐसे कुछ बड़ा कर देना, उसके बाद नीचे यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। आपको ऐसे कुछ मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसे कलर वाले ऑप्शन पे आने के बाद आप जो कलर आपको पसंद है उसे कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे ब्लैक ही कलर रखूँगा, जिससे कि मुझे ब्लैक कलर पसंद है तो मैं ब्लैक ही कलर रखूँगा, ठीक है। अपने हिसाब से जो कलर आपको पसंद आए वही कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हो। तो मैंने ब्लैक कलर का सेलेक्ट किया है, आप जो सेलेक्ट करना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे मैंने ऐड कर लिया है। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे आप सही से इसे लॉक कर देना है पहले, उसके बाद हम इसमें लिखेंगे कुछ ऐसे। पहले हम सही से ऐड कर लेते हैं अपने हिसाब से कुछ ऐसे, उसके बाद लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, प्लस वाले ऑप्शन पे आने के बाद टेस्ट पे आएंगे, जो लिखना है आप यहाँ से लिख सकती हो। तो चलिए लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखना है मुझे हाउ टू, ऐसे कुछ लिख देते हैं, जैसे कि जो भी आए हाउ टू मैक यूट्यूब थंबनेल ऐसे कुछ लिख देते हैं, ठीक है। तो मैंने हाउ टू ऐसे लिख दिया थंबनेल, ठीक है, थंबनेल लिख देते हैं यहाँ पे हाउ टू मैक यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। उसके बाद डन कर देंगे, ठीक है। डन करने के बाद अब इसे हम पहले बड़े लेटर में कर लेंगे, जिससे कि देखने में अच्छा लगे। उसके बाद इसे फॉन्ट्स चेंज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट्स पे आ जाता हूँ, यहाँ पे अपने हिसाब से डैश वाला सेलेक्ट करना है जो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ के लिए। ओके कर देना, ओके करने के बाद अब इसे यहाँ पे ऐड कर देना है। अब आपको जो कलर पसंद है उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि मान लो येलो कलर ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है, तो यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप 3D पहले आपको कर देना है, 3D करने के बाद ऐसे कुछ देखने में अच्छा लगे, जैसे कि इसको डाउन कर देना है, अपने हिसाब से अटैच कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे मैंने कर लिया, उसके बाद ओके कर देते हैं। उसके बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे, जैसे कि इस पे आ जाने हैं, स्टॉप पे आने के बाद इसे जैसे कि आपको ब्लैक कलर करना है, रेड कलर करना है, येलो कलर करना है, तो ऐसे आप कर सकते हो अपने कलर जो आपको पसंद है। तो ऐसे मैंने कुछ कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पर आऊँगा, इसे मैंने कलर वाला भी चेंज कर दिया। उसके बाद इसे हम येलो कलर का ही कर देते हैं, इसे डाउन कर देते हैं, ग्रीन रेड आपको जो भी पसंद है इसे कर सकते हो, ब्लैक कलर कर सकती हो। उसके बाद मैंने चलिए मैं येलो ही कलर कर देता हूँ, जिससे कि ये अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है, अब देखने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद आप यहाँ से सेव कर सकती हो एक्सपोर्ट इमेज, ओके। तो यहाँ पे अल्ट्रा करने के बाद सेव टू गैलरी कर देना, उसके बाद ये आपकी सेव हो जाएगी। गाइस वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाली ऐसी नोटिफिकेशन वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।